गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 5। आज की क्लास में हम लोग मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज नंबर 20A डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है वॉल्यूम। तो बेसिकली इसमें पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो क्यूब हमने पढ़ा था जिसके तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो, सेम हो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जिसके तीनों, जैसे कि हमारा डाइस होता है, लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें डाइस जो होता है, हम आपका गिफ्ट बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कैसे, जैसे कि हमारा ये हो गया एक, फिर हाइट भी ये हो गया और ब्रेथ भी क्या हो गया एक, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। ये हमारा क्या है, एक एज है, साइड है, तो कितना हो जाएगा, एक। तो कभी भी अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक। सेकेंड है हमारा क्या, क्यूबॉइड। जैसे क्यूबॉइड में क्या आता है, हमारा मैचस्टिक ले लीजिए, ठीक है, माचिस की डिग्री, तो उसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है, जैसे कि लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ये ब्रेथ। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है क्लास में, और आज एक्सरसाइज नंबर 20A का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को देखना है, व्हिच हैज द ग्रेटर वॉल्यूम बॉक्स दैट मेजर्स 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज मेजर 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर एंड बाय 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या क्वेश्चन में, कि दो बॉक्स दिए गए, मान लीजिए बॉक्स 1, ठीक है, और यहां पे बॉक्स 2, ठीक है। तो आप चाहे तो बना भी सकते हो, तो बॉक्स 1 का जो लेंथ है वो कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए। बॉक्स 2 में है एक लेंथ कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें से दोनों का वॉल्यूम निकालना है और फिर देखना है कौन किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, 10, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और फिर यहाँ पे 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6240 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हम लोग वॉल्यूम किस में लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें लेंथ कितना है, 6, ब्रेथ कितना है, 6 और हाइट कितना है, 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 36 और 36 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 को 7 से 252 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए पहले का वॉल्यूम कितना है, 240 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे कितना है, 252 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, किसका वॉल्यूम, तो ऑब्वियस बात है सेकंड बॉक्स का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2, ऊपर लिख रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2, इसलिए देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 is greater than box one, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, a heap of wood is a pile 5 decimeter wide and 9 decimeter long and 3 decimeter high, what is the volume of the heap of the wood, यानी कि कोई लकड़ी का ढेर है जिसका वाइड बेटा कितना है, 5 डेसीमीटर, और लेंथ कितना है, 9 डेसीमीटर, और हाइट कितना है, 3 डेसीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले लिखना है कि लेंथ लिखेंगे, ठीक है, लेंथ कितना दिया है, 9 डेसीमीटर, ठीक है, 9 डेसीमीटर। फिर इसमें दिया है क्या, वुड इज द पाइल 5 डेसीमीटर वाइड, और ब्रेथ कितना दिया, वाइड कितना है, ब्रेथ दिया है कितना, 5 डेसीमीटर। आप चाहे तो इसको पिक्चर बना सकते हो, और फिर इसका दिया है क्या,
हाइट कितना दिया है इसका 3 डेसीमीटर और हाइट है इसका 3 डेसीमीटर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हिप ऑफ वुड पाइप, हिप ऑफ वुड पाइप, हिप ऑफ वुड पाइप, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में। तो क्यूबॉइड फॉर्म का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ हो गया इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है बाबू, 9 डेसीमीटर और ब्रेथ कितना है 5 डेसीमीटर एंड हाइट कितना है हमारा 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 = 45 और 45 3 जा 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135 डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर हाई। एक क्यूबॉइड फिगर हमने बनाया है, इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और इसमें हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर और वाइड कितनी है हमारा 3 सेंटीमीटर, राइट। और दूसरी तरफ का एक क्यूब है जिसका एज कितना है 6 सेंटीमीटर, बिकॉज इसके सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना होता है इक्वल, और इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें लेंथ हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर और फिर हमारा ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम कितना निकल गया, तो 6 3 = 18 और 18 3 = 54 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हम लोग वॉल्यूम को क्यूब में लिखते हैं। सेकंड थिंग इसका है क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब कहने का मतलब क्या, जो एज है इसका मतलब किनारा है, तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब कहने का मतलब क्या, 6 को 3 में मल्टीप्लाई करना, तो 6 × 6 × 6 तो 6 से कितना होगा 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब और इसका कितना है 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच वन हैज ग्रेटर वॉल्यूम, तो इसका किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, क्यूब का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, देयरफोर the volume of cube is greater than the volume of cuboid, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, कर लीजिए। तो इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। अ ट्रेंच वाज 30 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप, ठीक है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ द अर्थ वाज रिमूव टू डिग द ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या होता है, खाई, ठीक है। मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है और यहाँ पे गड्ढा बनाना है, राइट। तो एक गड्ढा बनाना है, ठीक है, और गड्ढा जो है वो किस फॉर्म में है, एक क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया बाबू, लेंथ दिया इसका लॉन्ग है 30 मीटर और इसका वाइड कितना दिया है 3 मीटर और डीप कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो डीप मतलब क्या, हाइट, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा और यहाँ पे वाइड कितना है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर हो गया, ठीक है। ये जो लेंथ है यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर। तो हम लोग इसको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसमें से कितना हम लोग इसमें से क्यूबिक मीटर्स इसमें से मिट्टी निकाली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच। अब बिकॉज ट्रेंच किस फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा कितना है 30 मीटर और ब्रेथ हमारा कितना है 3 मीटर और हाइट कितना है 2 मीटर। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 जा कितना हो जाएगा 90 और 90 जा 180 180 मीटर क्यूब,
यानी कि इतनी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस मतलब फाइल करेंगे, मिट्टी निकालेंगे, किसमें से, अर्थ में से। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप यही क्वेश्चन में भी ले सकते हो, यहाँ पे हाउ में हटा दीजिएगा और यहाँ पे लिखिए क्या, देयरफॉर 180 मीटर, बिकॉज यहाँ पे हाउ में पूछा था, देयरफॉर 180 मीटर क्यूब क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ वाज रिमूव्ड टू डिग द ट्रेंच। ठीक है, यानी कि उतना हमको डिगिंग करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा यहाँ से। ओके, थैंक यू, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।